For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीर नसीम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। मैं लाहौर गुलबर्ग में प्रैक्टिस करती हूँ। आई डील विद डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट, फियर एंड फोबियाज, रिलेशनशिप थेरेपी, करियर काउंसलिंग, मूड डिसऑर्डर्स एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। आज मैं आपको बता रही हूँ डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या मर्ज है। सो बेसिकली डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो कि आपको बहुत ही एक लो स्टेट में लेके चला जाता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है डिप्रेशन, वाकई ही एक मर्ज है और इसको हमें एक डिज़ीज़ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा रोना आए, हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल ना रोएं, हो सकता है कुछ लोग इसमें फिज़िकल सिम्टम्स का शिकार भी हों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तबीयत ख़राब हो जाना, पेट ख़राब हो जाना, पसीने आ जाना, नौज़िया होना एंड सो ऑन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अगर सही मेजर्स लें तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात होती हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रोल प्ले करता है वो है अनग्रेटफुलनेस का। जब हम एक कॉम्पिटिशन की स्टेट में आ जाते हैं और दूसरों से रेस लगाना शुरू कर देते हैं तो हम एक डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ब्लेसिंग्स को छोड़ के दूसरों की ब्लेसिंग्स की तरफ देखते हैं। हमें ये ज़्यादा फिक्र होती है कि उनके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह है किसी भी इंसान को डिप्रेस करने के लिए। इसमें और फैक्टर्स ये होते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा पास्ट में रहें, हम पास्ट के इवेंट्स को बार बार अपने कॉन्शियसनेस में लेके आएं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ ये करती या करता तो ऐसा होता, ये मेरे साथ ना होता अगर मैंने ऐसा किया होता, तो ये जो अगर मगर की एक कश्मकश है, इसमें रहने से हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद अगर किसी किस्म का सेक्शुअल या इमोशनल अब्यूज से हम गुजरे हों तो भी हमें एक किस्म की डिप्रेशन हो सकती है। डिप्रेशन जो है वो ये हमें दिखाती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम की कमी है, हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ कम होता जा रहा है, हम एक बेबस स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं, हम ना उम्मीद ज़्यादा होते जा रहे हैं और हम उम्मीद की किरण को छोड़ते चले जाते हैं। सिर्फ लो मूड हो जाने को हम डिप्रेशन नहीं कहते हैं। डिप्रेशन का एक क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफ़िल करने से ही आपको क्लिनिकली डिप्रेस्ड कहा जाता है और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। आम तौर पे किसी की बात बुरी लग जाने से या कोई भी गलत काम हो जाने से अगर हम बुरा फील करते हैं तो उसको हम डिप्रेशन नहीं कहते। बुरा फील होने के साथ साथ गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, नींद ना आना या भूख बहुत ज़्यादा लगना और नींद बहुत ज़्यादा आना, किसी काम में दिल ना लगना, कोई भी प्लेजर के लिए हम काम ना करें, जो अगर कुछ करें भी तो कोई भी काम करके खुशी ना मिले, अगर ये कैफियत 2 हफ्ते से ज़्यादा हमारे अंदर हो तो हम उसको डायग्नोस करते हैं एज क्लिनिकल डिप्रेशन। ये क्लिनिकल डिप्रेशन हमारे ब्रेन में एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है न्यूरोट्रांसमिटर्स का, जिसको ट्रीट करने के लिए कभी कभार हमें थेरेपी के साथ साथ दवाइयों का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो डिप्रेशन की कई एक्साम हैं, लेकिन मैं आपसे 2-4 मेन जो मैंने पाकिस्तानी सोसाइटी में होते देखा है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। पहली चीज़ है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेशन होती है जब डिप्रेशन को हम अनडायग्नोज्ड और अनट्रीटेड छोड़ दें और सालों के साल हमारी एक वही कैफियत रहे, चिड़चिड़ापन और गुस्सा और लो मूड और एक ना उम्मीदी में ज़िंदगी गुजार रहे हों, वो डिसऑर्डर आपका बन जाता है मेजर डिप्रेशन। एक डिप्रेशन होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन उन औरतों में होती है जो नई माएँ बनी होती हैं और जो 45-60 डेज का पीरियड होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, उन माओं में ये डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक
बिल्कुल डिप्रेशन की ही तरह की एक उसकी टाइप है जिसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो उस मदर का हिस्सा बनती चली जाती है और वो आगे जाके मेजर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर एक डिप्रेशन होती है विद साइकोसिस। साइकोसिस होता है रियलिटी से टच खो बैठना। सो एक डिप्रेशन जब इतनी ज़्यादा चली जाए तो वहाँ पेशेंट जाके रियलिटी से टच खो बैठता है। एक डिप्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं सीजनल डिप्रेशन। सीजनल डिप्रेशन ज़्यादातर हम में पाई जाती है सर्दियाँ शुरू होने पे और गर्मियाँ जब ख़त्म हो रही होती हैं, तो वो जो स्पैन होता है मौसम चेंज होने का, उसमें जो हम एक लो मूड की कैफियत में चले जाते हैं। और इस लो मूड की कैफियत का मतलब है मुस्तकिल दो हफ्ते तक आप बेहतर फील ना करें, उसको हम कहते हैं जी सीजनल डिप्रेशन। और एक आखिरी काइंड ऑफ डिप्रेशन होती है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से। अगर आपको कोई और बीमारी है और आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन दवाइयों की वजह से भी एक केमिकल इम्बैलेंस होने के तहत आपको डिप्रेशन डायग्नोज हो जाए। तो उसका ट्रीटमेंट करवाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि डिप्रेशन आपको सुसाइड की तरफ ना लेके जाए। सुसाइड जो है वो आखिरी स्टेज होती है ये बताने के लिए कि जी इंसान एक बहुत मेजर डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। अगर आप लोग डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने माइंड का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। जिस तरह हम अपनी फिजिकल सेल्फ का, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी उसी तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत मेजर कनेक्शन है। और वो जब दोनों आपस में लिंक्ड हैं, तो अगर बॉडीली सिम्टम्स की वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब होगी और मेंटल हेल्थ की वजह से बॉडीली सिम्टम्स ख़राब होंगे, तो आपको किसी किस्म की डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जहाँ पे यू शुड बी हैप्पी विद हु यू आर, व्हाट यू लुक लाइक, व्हाट यू हैव। यस, डू स्ट्राइव टू गेट बेटर, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना कि फ़लाने के पास तो ये है, फ़लाना तो ऐसा है, लेकिन मैं ऐसी हूँ। आप में भी कोई कमी नहीं है। गॉड हैज़ क्रिएटेड द बेस्ट आउट ऑफ यू। सो प्लीज़ इस कंपैरिजन की रेस से हमने बाहर निकलना है। हमने अपने ऊपर फोकस करना है, हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, तो हम इंशाल्लाह इस बीमारी से दूर रहेंगे। और लास्टली, इफ़ यू फील कि आपके प्रोडक्टिविटी लेवल्स दिन के कम हो रहे हैं, आपकी नींद गड़बड़ हो रही है, आपकी भूख गड़बड़ हो रही है, आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, आपकी तबीयत बग़ैर किसी वजह के आपको लगता है ख़राब हो रही है, मूड बहुत ऑफ है, तो प्लीज़ मरहम के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत अवेलेबल ऑप्शंस हैं। कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, गो टू देम, गेट योरसेल्फ ट्रीटेड फॉर डिप्रेशन, बिकॉज़ हम इस तरह से डिप्रेशन में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। थैंक यू।